नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। हाल ही में हुए पंजाबी गायक हत्याकांड में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने सिद्धू मूसेवाले मामले में सबूतों के आधार पर 8 हत्यारों की पहचान का दावा किया है। गायक की हत्या में शामिल 2 शूटर महाराष्ट्र, 2 हरियाणा, 3 पंजाब और 1 राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो सभी शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। इसमें से एक को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो मूसेवाले की हत्या के मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके हैं। हत्या में कौन कौन से अपराधी शामिल हैं, इसका पता लग गया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के आने जाने वाले रास्ते का भी पता लगा लिया है। वे कहाँ से आए, कहाँ रुके, कैसे रुके और कैसे भागे, ये सभी सारी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। महाराष्ट्र के दोनों शूटर की भी पहचान हो चुकी है। दोनों पुणे के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरव महाकाल और संतोष जाधव बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों की तस्वीर भी जारी की है। इसके पहले पुलिस ने मामले में मनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उस पर हत्यारों को गाड़ी मुहैया कराने का आरोप है। मोगा जिले के SP ने बताया कि सिद्धू मूसेवाले की मौत के मामले में मोगा पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद में दविंदर कला के नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें कि मूसेवाले मामले में पंजाब सरकार ने कार्रवाई तेज करते हुए SIT का दोबारा गठन किया है। इसमें अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी शामिल किया गया है। सरकार ने SIT को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दूसरे अधिकारी को कर्मचारी की मदद ले सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी SP का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या की साजिश के इनपुट काफी पहले से मिल गए थे। अधिकारियों का दावा है कि साजिश को लेकर उन्होंने पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा था। इसके बाद पिछले महीने गैंगस्टर शाहरुख को स्पेशल सेल ने पकड़ा था। इसी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि फरारी के दौरान तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई का कन्नड़ में बैठे गोल्डी बरार उसके संपर्क में थे। दोनों ने ही सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की सुपारी दी थी। दिल्ली पुलिस ने इसे भी पंजाब पुलिस को शेयर किया था। इसके बावजूद मूसेवाले की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय कम करना चौंकाने वाला है। इसके अगले ही दिन मूसेवाले की हत्या भी हो जाती है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद दविंदर बबनिहा सिंडिकेट ने बदला लेने का ऐलान किया है। दविंदर बबनिहा गैंग नीरज बबनिया सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। इस गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे दिल का भाई था, हम 2 दिन के भीतर रिजल्ट भेज देंगे। इसके नीचे टिल्लू ताजलपुरिया गैंग, कौशल गुड़गांव गैंग और दविंदर बबनिहा ग्रुप लिखा हुआ है। इसी तरह से कौशल चौधरी के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा हुआ है, यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। ऐसे में मूसेवाले की हत्या का बदला लेने में गैंग वॉर की आशंका तेज हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी मामले में पैनी नजर गढ़ाए हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।